एक और इनाम जीतने का मौका मिल गया है। ये भाई यहाँ पे दे रहे हैं, छल्ला देंगे, टोपी देंगे और टी शर्ट देंगे। किस शर्त पे देंगे मैडम, आप बताइए हमें। सर, सो इफ यू विल गेट 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 और 9 मार्क्स आउट ऑफ 10, देन वी विल गिव यू अ टी शर्ट। ये तो हमारा स्कूल में कौन आएगा, दे 3-4 पे बताओ क्या मिलेगा। अच्छा, तो अगर आप 10 में 10 लाते हो या 10 में 9 क्वेश्चंस के आंसर सही देते हो तो हम आपको एक टी शर्ट देंगे, और अगर 5 क्वेश्चंस के आंसर सही देते हो तो हम आपको एक कैप देंगे, और ये सर अगर आप 0 भी लाते हो तो। चलो कुछ ना कुछ तो मिलने वाला, पूछो जी क्या हम लोग। पहला सवाल 15,000 के लिए। अजीत सिंह मेरा नाम है जी, लास्ट नेम राड है जी, RHR, और ईमेल भी डाल देते हैं मैडम। लो जी, दो सवाल हमने इनके ठीक बता दिए, नोट रखना आप, ये गिने जाएंगे ना मैडम। उसमें नाम बता दिया हमने, ईमेल बता दिया, उसके बाद बता दिया जी हमने आपको फोन नंबर, ये बता दिया जी फोन नंबर आपको, इसके बाद बस। सर ये क्वेश्चन है, अच्छा आपको ये पढ़ करके जवाब देने है। पहला सवाल आ गया जी, पुअर टायर अलाइनमेंट में लीड टू एबनॉर्मल थ्रेड वियर, इंपैक्ट ऑन सस्पेंशन, सस्पेंशन डिफिकल्ट स्टेयरिंग, ऑल ऑफ द अबव। मैडम ऑल ऑफ द अबव, आप सर आपको जो लग रहा है आप जवाब दें। ठीक है जी, दूसरी बार बताया था पुअर टायर अलाइनमेंट, अगर आपके अलाइनमेंट खराब है तो क्या नुकसान होने वाला है। पहला इन्होंने बताया एबनॉर्मल थ्रेड वियर, बिल्कुल एबनॉर्मल होगा, इंपैक्ट ऑन सस्पेंशन उस पर भी फर्क पड़ेगा, स्टेयरिंग भी टाइट हो जाएगा, एक तरफ भागने लग जाता है, तीनों का तीनों काम होंगे जी। देखो पहला जवाब होने दे दिया है। वन शुड चेक टायर इन्फ्लेशन प्रेशर व्हेन द टायर इज, भाई आपको टायर का जो प्रेशर है कब चेक करना है, पहली बात तो जब गर्म हो, बिल्कुल सही है, ठंडा हो तब तो क्या जरूरत होगी, नो मैटर व्हाट द टेम्परेचर इज, नन ऑफ द अबव, ये हॉट हो तभी चेक करना चाहिए मैडम। दूसरे का जवाब दे दिया जी हमने, उम्मीद है ठीक ही होगा। तीसरा, ऑन ए टायर यू सी द मार्किंग 175/65R15/7979S, हेयर द लेटर आर स्टैंड फॉर रेडियस, आर स्टैंड फॉर रेडियस होगा मैडम, आर किस काम आएगा, आर से तो रेडियस होता था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, 175/65R15 का मतलब रेडियस होगा मैडम, एक रेडियल ना, रेडियल नहीं होगा, रिम नहीं होगा, रेडियस होगा जी। वट इज द मिनिमम लीगल थ्रेड डेप्थ ऑफ ए कार टायर एज पर इंडियन लॉ, इसका नहीं पता जी हमें। देखो ये तो बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया आपने, थ्रेड डेप्थ ऑफ ए कार टायर 1.6 mm मिनिमम ना, 1.8 ना, 2.1 होना चाहिए, 1.8 तो थोड़ा हो जाएगा, 2 mm तो होनी चाहिए। वेयर एम आई लाइकली टू फाइंड द रिकमेंडेड एयर प्रेशर ऑफ माई कार टायर, कहां मिलेगा हमारे को रिकमेंडेड प्रेशर, ऑन द टायर साइड वाल नहीं मिलेगा, ऑन द स्टक स्टिकर इन साइड द ड्राइवर डोर, यहां मिलेगा, बिल्कुल सही। देखो जी ये जवाब बिल्कुल सही दिया हमने। अप्रोक्स हाउ मेनी मटेरियल गो इन टू द मैनुफैक्चरिंग ऑफ ए टायर, ये बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया, टायर के अंदर कितना मटेरियल जाता है, अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी मटेरियल गो इन टू, ये क्या मैडम 50, 100, 230, ये क्या मतलब है सर, ये नंबर अमाउंट है कि कितने मेटल्स का यूज होगा। 50 मेटल का यूज नहीं होगा मैडम, टायर में क्या रबर है, स्टील है और क्या है सर, मेटल नहीं मटेरियल, सॉरी मटेरियल, मटेरियल्स का यूज होता है टायर, 50 ही लगाएंगे मैडम, 200 कहाँ होते होंगे। फॉर ऑप्टिमम लाइफ ऑफ ए कार टायर यू शुड रोटेट यूर टायर आफ्टर 5,000 किलोमीटर, ऑन ए टायर यू सी द मार्किंग 175/65R15/7979S, एयर 175 स्टैंड फॉर मैक्स स्पीड ऑफ द टायर, विड्थ ऑफ द टायर इन एमएम, ये होगा जी विड्थ ऑफ द टायर, रिम साइज इन इंच, ये भी हो सकता है भाई, नन ऑफ द अबव, रिम या विड्थ में से एक होना चाहिए, विड्थ 175 mm हो गया, 4×8 इंच, यही होगा विड्थ होगा। You notice uneven thread wear on a tire. This mostly like to under inflation, over inflation, misalignment से होगा जी ये। Submit कर दिया, आप देखेंगे जी क्या दिखाता है ये। हम लोगों ने दिए जी कितने जवाब ठीक? सर आपने टोटल 10 में 5 जवाब ठीक दिए। ओ बेटे एक टॉपी और मिल गया हमारे को, बहुत ही बढ़िया, 5 जवाब ठीक दे दिए 10 में से, और यहाँ हमें मिल जाती है एक टोपी और एक छल्ला, साथ में फ्री गिफ्ट और साथ में एक कॉपी किताब भी मिलती है जी पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मैडम, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, थैंक यू मैम। किस टायर से हैं आप? सर हम सारे टायर के एसोसिएशन से। अच्छा, आत्मा से, टायरों की आत्मा ये लोग बनाते हैं, वहां से है। चलिए जी चलते हैं जी, टोपी मिल गई है और टायर मिल गया है, थैंक यू करेंगे आपको, बाय बाय।